नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप लोग देख रहे हैं चैनल दीपक करे। आज का टॉपिक है कि हम घर बैठे कैसे कमाएं। यदि हम मजबूर हैं घर पे रहकर काम करने को, क्योंकि हमारे जो परिवार है, हमारा घर परिवार है, उनकी देखरेख के लिए कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपका कोई दूसरा भाई नहीं है, तो आपको घर पर रहना एक आवश्यकता बन जाती है। और घर पर रहकर फिर कुछ अपनी आमदनी का जरिया बनाना पड़ता है, तो उसी के संबंध में मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सभी के काम आने वाली है। यदि आप आर्थिक वर्ग से कमज़ोर हो या आपको कोई कमाई का साधन ढूंढ रहे हो आप दूसरा कोई, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। होता क्या है, मैंने बहुत से सर्च किए हैं कि हम घर बैठे कैसे ऑनलाइन कमाएं, तो उसमें इतने सारे ऑप्शन खुल के आए हैं। कॉपी करके पेस्ट कर दो तो उससे कमा सकते हैं, घर पर टाइपिंग करके भी कमा सकते हो आप। और मैंने एक दो में तो इन्वेस्ट भी किया है, 2-3 हज़ार रुपये डाल के भी देखा है कि उसमें मुझे मिला क्या था। कि एक सज्जन थे दिल्ली के, जहाँ पे ऑफिस था, हमने उनका पता निकाला इंटरनेट से, तो उन्होंने कहा था कि आपको 5 हज़ार रुपये जमा करने पड़ेंगे और फिर मैं आपको PDF दूंगा, उनको टाइप करना पड़ेगा। PDF को टाइप करके हमें उन्हें लेके जाना था। तो बहुत चलाफिरी की इसको लेके कि मुझे कैसे भी करके 5-10 हज़ार रुपये महीने के आने लगे, बनने लगे घर पे बैठ के, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप था। लैपटॉप जो था वो मुलायम सिंह ने दिया था, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ मुलायम जी का, जो हाई स्कूल पास होने के बाद उन्होंने मिला था मेरी बहन को, क्योंकि बहन ने तो यूज़ नहीं किया, मैंने ही उसका यूज़ कर रहा हूँ। और तो मैंने गया वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे 2-4 जगह पे गया, तो वहाँ पे पता चला कि जो ऑनलाइन काम रहता है वो 5-10 हज़ार रुपये दे देते हैं, आप जितनी टाइप करोगे उसके हिसाब से आपके पैसे बनते हैं। लेकिन जब मैं पहला कॉन्ट्रैक्ट लेके गया तो मेरे साथ क्या हुआ था, चूँकि ये मेरे साथ नहीं हुआ था, मैंने एक उससे पूछा था जो वहीं पर एक लड़का था, वो दूसरी तीसरी बार जमा करने आया था, तो वो बता रहा था उसका एक्सपीरियंस ये है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि वो उसने कहा कि 5 हज़ार रुपये मैंने इनको जमा किए सिक्योरिटी के आधार पे। दोस्त, यदि आपको ये बात ना सुन के डायरेक्ट पॉइंट पे जाना है तो आप स्किप करके स्क्रीन पर जो देख रहे हो वहाँ पर डायरेक्ट चले जाओ, तो आपको जो मेन टॉपिक है वहाँ पे पहुँच जाओगे। क्योंकि मैं शेयर करना चाहता हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, और आपको ये बातें ना सुननी हो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। तो मैं बता रहा था कि उस बंदे ने मुझे बताया कि उसने 5 हज़ार रुपये जमा किए और चक्कर लगाए उस कंपनी के बार बार, वो भी वहाँ पर गुड़गांव में रहता था, चूँकि मैं भी वहाँ पर कुछ साल पहले काम किया मैंने, 2-3-4 साल रह के, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे लोगों की जानकारी थी। तो उसने भी वहाँ पे काम किया था, वो घर पे काम कर रह के काम करना चाह रहा था। तो उसने बताया था कि 5 हज़ार रुपये उसने जमा किए, तो एक बार तो उन्होंने रुपए दे दिए, मतलब एक बार उन्होंने कहा कि आपका काम सही है, 3 हज़ार रुपये उनको दिए थे पहली जो महीने की कमाई थी। उसकी टाइमिंग वाइमिंग मैंने डिटेल में नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने जो बताया तब मुझे लगा फेक है, तो इस डिटेल में ना जाएं। फिर उस जब दूसरी बार वो काम को लेके गया, उसने टाइपिंग कर ली, तब पूरा एक फॉर्मेट जो वर्ड पे उन्होंने टाइपिंग की थी, तो वो वर्ड लेके गया था, PDF को देख देख के टाइपिंग करनी पड़ती थी, उसका ये काम था। तो फिर उन्होंने दूसरी बार में क्या किया कंपनी वालों ने, कि कहा कि आपने जो है लेटर सही नहीं लिखे हैं, कहीं कॉमा सही नहीं लगाया है, स्पेस सही नहीं दिया है, तो इस तरीके से उनकी बार बार वो बोल के कि आपकी ये गलतियां हैं, जो सही था उसका नहीं है, तो बहुत से पैसे काट लिए और कहा कि इस बार इस महीने की आपकी कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है ये, क्योंकि अब तो बहुत एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत से लोग अपने शेयर डाल रहे हैं कि ये फेक होते हैं ये वाले काम घर बैठे ऑनलाइन वाले। बहुत एक दो रेयर परसेंट ही होंगे, एक दो रेयर केस होंगे ऐसे जो कहते हैं कि मतलब हाँ ये सही है। लोगों को पता चल गया कि इस तरीके से भी ठगा जा सकता है, कि आप उनसे 5 हज़ार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाएं, वो कहते हैं कि हम बाद में आपको वापस कर देते हैं, लेकिन बाद में वो देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, हम किसी और से करवाती तो हमें इतने लाभ होता, लेकिन आपने वो सही करके नहीं दिया तो हमें भी नुकसान हो गया, ये बोल के वो आपके पैसे खा जाते हैं। ये तो केवल हम आपको टाइपिंग वाली बात बता रहे हैं, ना जाने ऐसे कितने लोग वैसे बैठे हैं फर्जीवाड़ा करने के लिए। तो मेरी आपसे केवल इतनी सलाह है कि जो भी आप काम करो उसका पूरा रिसर्च करो। आप जो यूट्यूब देख रहे हो कि इतने कमाई हो रही है, तो उसके नेगेटिव पॉइंट भी सर्च करो, कि रिव्यू ऑफ ऑनलाइन होम बेस्ड टाइपिंग अगर आप सर्च करोगे गूगल पे या यूट्यूब पे, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने रिव्यू देते हैं। आपको केवल रिव्यू डालना है और जो टाइपिंग आप जो काम करना सीखना चाहते हैं उसको डालना है, तो इसके आधार पर आपको उसका रिव्यू मिल जाएगा कि लोग सही काम है या गलत काम है। आप कोई भी काम करो या जो हम बताएंगे उसमें से करो, तो भी आप रिव्यू देख सकते हो। उसके बाद जो भी आप कहीं मिले आपको और आप करना चाहो कि ऑनलाइन ये वाला काम अगर सही है, तो उसके रिव्यू करके आप ज़रूर अपने आप एनालाइज़ कर लो कि काम सही है या गलत है। बहुत से ऐसे काम हैं जो घर पे बैठ के हो जाते हैं, लेकिन गलत बात ये फैलाई जा रही है कि बहुत आसान है, आप घर पे टाइपिंग करके कमा सकते हो, ये गलत है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइपिंग का मटेरियल आपको लाना पड़ेगा। होता क्या है, कहाँ से मिल सकता है ये, जहाँ पे पब्लिशर होते हैं, जहाँ पे छापने वाले होते हैं किताबें, वहाँ की कंपनियाँ ऑफिस छाटो आप गूगल पे, उसको सर्च करो, वो आपको सही तरीके से बता सकते हैं। और वो इतने रुपए नहीं देते हैं टाइपिंग करने के, वो 150 या 200 रुपए दिन के हिसाब से देते हैं, और कुछ उनकी फिक्स रहती है टाइपिंग,
तो वो मिल पाना बहुत मुश्किल होता है वो, क्योंकि वो पहले से उनको देते हैं जो एक्सपर्ट हैं, और अपने वो पहले से फिक्स करके अपने जो जान पहचान वाले लोगों को उनको ही देते हैं, किसी दूसरों को नहीं देते हैं जिन पर भरोसा ना हो। वो अच्छी खासी सिक्योरिटी भी जमा करते हैं। 1 या 2% ऐसे होंगे पूरे अभी इंटरनेट पे जो सही होंगे, जो बताते हैं कि हाँ ये काम जेन्यून है और आप कर सकते हो। बाकी के 90% जितने काम बताए जा रहे हैं ऑनलाइन कि आप घर बैठे टाइपिंग करके या कॉपी पेस्ट करके कमा सकते हो, तो वो सब फेक हैं। तो प्लीज़ मेरी केवल यही रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो भी काम करो तो वहाँ पर एकदम कन्फर्म करके ही करो कि इसमें हाँ पैसे मिलते हैं, और किस किस तरीके की सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, क्या करना पड़ता है। हम केवल देखते हैं कि ऑनलाइन कमा सकते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं, उसमें 1-2 महीने तक हमारा ऐसे निकल जाता है, मेहनत करते रहते हैं, हमें लगता है कि कुछ नहीं मिल रहा है तो छूट छाड़ के फिर बंद कर देते हैं, फिर ढूंढते हैं कि यार कैसे भी करके मिल जाए। तो जो 1-2 महीने हम बर्बाद कर देते हैं उसमें सही तरीके से आपको ढूंढना है कि ये सही है, जेन्युइन है जो काम आप करना चाह रहे हो। मैं कुछ आपको काम बता रहा हूँ, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, तो जो काम जो आप करोगे घर पर बैठ के, तो कोई भी आप काम करो तो इतना आसान नहीं रहता है कि आपने आज स्टार्ट कर दिया पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सबसे पहले अपनी एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसे बड़े रूप में करने की सोचा करो। ये मत सोचा करो कि छोटा मोटा मेरा 5-10 हज़ार रुपये का स्टार्ट हो जाए, उसे बड़े रूप में किस तरीके से लेके जाओ और अपनी एक स्किल डेवलप कैसे हो पाए कि उसमें महारत हासिल कर पाओ। भले ही वो स्टार्टिंग छोटे से हो, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्किल डेवलप करते जाओ। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो आप सीख सकते हो, सीखते सीखते आप उसे कमाना स्टार्ट भी कर सकते हो। जैसे कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन बहुत कुछ बड़ा काम नहीं होता है, इसमें बड़ा काम तो होता है लेकिन इसमें क्या है, स्किल आपको धीरे धीरे बनानी पड़ती है, और आप घर पर बैठ के ही स्किल बना सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनर हुआ, वेबसाइट डिजाइनिंग हुआ, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो घर पर बैठ के आपको थोड़ी बहुत अगर नॉलेज हो कंप्यूटर की तो आप स्टार्ट कर सकते हो। टैली का काम है, GST का काम है, जो फाइल फॉर्म फिलअप होते हैं इनका काम है, तो इन पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो कॉलेज से कि हम आपकी स्टूडेंट का इतने सस्ते दामों में इतना कर सकते हैं। तो उस काम को ढूंढो जो जेन्युइन है, लोग कर भी रहे हैं, उन्हें पैसे मिल भी रहे हैं। जो इंटरनेट पे आप जो सर्च करोगे जरूरी नहीं वो सारे सही हो। तो मैं आज घर बैठे काम करने की बता रहा हूँ वो है वॉइस रिकॉर्डिंग। आपने सुना होगा कि बहुत से जो कार्टून आर्टून आते रहते हैं, बहुत सी ऐसी वीडियो बनती रहती हैं, उसमें कार्टूनिस्ट की जरूरत पड़ती है, मतलब जो अपनी बोली को आवाज़ को बदल के कैरेक्टर को प्ले कर सके। ऐसे आपने देखे होंगे नोबिता है, सुजुका है, ये तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे हो गए, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे भी ये जो एडवर्टाइजमेंट को जरूरत पड़ती रहती है अलग अलग तरीके से बात करने की और आवाज़ रिकॉर्ड करके उनको देने की। तो उसमें सबसे पहले पे मतलब जो मैं वीडियो जो आप देखोगे इसकी मैं 3 वेबसाइट डाल रहा हूँ। ये जानकारी मुझे मिली है मेरे दोस्त से, क्योंकि मैंने उसे डिटेल में नहीं पूछ पाया क्योंकि वो मेरे साथ चल रहा था ट्रेन में, तो उसने तब मुझे ये वेबसाइट बताई थी। तो मैंने जितनी जानकारी ले सका हूँ उससे उतनी आपको मैं बता सकता हूँ, और अधिकतर मैंने इसको गूगल पर और ऑनलाइन भी सर्च किया है कि किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहा हूँ कि पैसे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, किस किस तरीके से आपको कमाना पड़ेगा, ये आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, वो बोल रहा था कि पैसे उसे मिलते हैं, मतलब वो झूठ नहीं बोलेगा मेरे से। इस आधार पर केवल मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ जानकारी। आपके मन में अभी ये चल रहा होगा कि मैंने बताया कि सबसे पहले रिव्यू लो तभी जाके विश्वास करो, तो मैं अपने पे भी यही कह रहा हूँ। आप ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया तो आप मूंद के स्टार्ट कर दो, पहले रिसर्च करना कि रियल में ये जेन्युइन है कि नहीं है, तब जाके आपको कोई ऑप्शन मिले, क्लू मिले कि हाँ ये जो काम है वो सही है। तो मेरे जो मैं बताऊंगा उस पर भी प्लीज़ रिसर्च ज़रूर करना, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि मैं 100% कह सकूं कि हाँ मतलब आप बन सकते हो, आप घर बैठे कमा सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप नहीं करोगे मिमिक्री आर्टिस्ट की, तब तक इसमें मत घुसिएगा और मत इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा अपना टाइम। यदि आपका सपना है मिमिक्री आर्टिस्ट बनने का तभी इसमें आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो फिर आप वॉइस एक्टर बनकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस तरह की नौकरी घर बैठे भी की जा सकती है। हालांकि वॉइस एक्टिंग बहुत आसान नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए स्किल के साथ साथ आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि एक लैपटॉप होना चाहिए रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको, जो इंटरनेट चलाने के लिए, और इसके बाद होना चाहिए एक आपका एक हेडफोन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे कि आप रिकॉर्ड करो तो अच्छी जो आपकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट रहे। अगर आपको लगता है कि वॉइस एक्टर की जॉब आप कर सकते हैं तो कुछ साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो इस तरह की जॉब खोजने में आपको मदद कर सकते हैं। सबसे पहले पर है वॉइस हायर्ड। अगर आपको लगता है कि आप वॉइस एक्टर या फिर वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर कार्य कर सकते हैं तो फिर इस साइट पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ रजिस्टर करने के बाद वॉइस आर्टिस्ट मतलब कि आप अपनी आवाज़ को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर कोई आपकी आवाज़ को खरीदता है तो इसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं और पेमेंट आपके सीधे अकाउंट में चले जाते हैं, जो कि आपको अकाउंट का नंबर भी डालना पड़ता है जब भी आप अपना एक नई आईडी बनाओगे तब।
ये ठीक वैसे ही रहती है जैसे फेसबुक की जब आईडी बनाते हो, जब आप लॉगिन करते हो, ठीक उसी तरह की आपको फिलअप करना पड़ेगा और अपना पूरा डिटेल डालनी पड़ेगी, साथ ही साथ अपने बैंक का अकाउंट नंबर भी डालना पड़ेगा जिसमें आपको पैसे मिलेंगे। आपकी वॉइस का इस्तेमाल प्रोमो किया जाएगा, आपका कॉर्पोरेट्स ई लर्निंग में किया जाता है, IVR भी होता है आदि के लिए आपको इन पे प्रयोग किए जाते हैं आपकी आवाज़ें। अगर आपको देखना है कि किस तरह के वॉइस एक्टर्स यहाँ कार्य करते हैं तो उससे संबंधित सैंपल भी यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो जो वेबसाइट है, इस पर आप गूगल पे ये डालना और उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट इसी तरीके की है voice.com। अगर आप फ्रीलांस वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर कार्य करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग मतलब होता है दोस्तों घर बैठे काम करना, उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीलांसिंग, तो फिर यह साइट आपकी मदद करेगी। फ्रीलांस वॉइस जॉब के लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ठीक उसी के पहले के जैसे, फिर प्रोफाइल तैयार करने के बाद अपनी आवाज़ का डेमो यहाँ पर अपलोड करना होगा कि किस तरीके की आपकी आवाज़ है, वो डेमो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और अच्छे जो बेस्ट तरीके की जो आवाज़ है या डायलॉग हो उसको बोलना तब अपलोड करना। अगर आप वॉइस एक्टर जॉब की शुरुआत ही करना जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर होने वाले जो वॉइस ऑडिशन में हैं उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल और वॉइस के हिसाब से आपको फ्रीलांस जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस जॉब के लिए कोचिंग की ज़रूरत है तो यहाँ से कोचिंग भी ले सकते हैं आप। अपने जो बोलने का तरीका है, जो शब्दों का चयन है, वो भी आप यहीं से सीख सकते हैं। पहले आप चाहें तो यहाँ पर मेंबरशिप भी ले सकते हैं, यह 100 से ज़्यादा लैंग्वेज आपको सपोर्ट करता है। फ्रीलांस वर्क का पैसा सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप जो वेबसाइट है इसकी आप स्क्रीन पर देख रहे हो voice.com, तो आप गूगल पर सर्च करना voice.com और इस पूरी वेबसाइट के बारे में आपको ऐसा ठीक पेज ऐसा मिलेगा। ठीक इसी तरीके की एक तीसरे प्रकार की जो वेबसाइट है वो वॉइस बनी है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से वॉइस ओवर कर सकते हैं, मतलब अच्छा तरीका आपको और बेस्ट करना है, तब ये जो वेबसाइट है वो बेस्ट रहती है। यह आपके लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म भी बनकर साबित होती है। इस प्लेटफॉर्म पर हज़ारों क्लाइंट्स हैं जिन्हें क्लाइंट मतलब जो आपकी जो आवाज़ है वो खरीदेंगे और जिन्हें आप अपनी वॉइस दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए यहाँ पर कोई आपको पहले अप्लाई करना होगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना सैंपल वर्क अपलोड करना होगा, मतलब पहले को अपना एक सैंपल अपलोड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब यदि वहाँ से टीम जो बैठी है वॉइस बने की वो सेलेक्ट करेगी कि आप की जो वॉइस है वो लायक है कि नहीं है। इसके बाद ही आपको यहाँ पर काम मिलता है, चूँकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी वेबसाइट से मिलता है इन तीनों के अपेक्षा। अगर आपको क्लाइंट आपको बुक करता है और कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद ही पेमेंट आपको किया जाता है, पहले पेमेंट नहीं, किसी में भी सुविधा नहीं है कि आपको पहले पेमेंट की जाए। तो दोस्तों इसमें दिलचस्पी उन स्टूडेंट की या उन एंटरप्रेन्योर की, मतलब उन एम्प्लॉय की होनी चाहिए जो की आवाज़ में दम है, तभी वो इस क्षेत्र में आए। वो अगर रियल में अपना फ्यूचर देख वॉइस आर्टिस्ट बनकर तभी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते घर बैठे। और धीरे धीरे यहाँ पे स्कोप इतना है कि आप देखते होंगे जितने भी सीरियल्स आते हैं, नाटक आते हैं, कार्टून के चैनल्स जितने हैं, उसमें जितनी भी आवाज़ें आती हैं वो मैन उनका वहाँ पर काम होता है वॉइस आर्टिस्ट की, और इसकी सैलरी बहुत आगे जाके अच्छी हो जाती है यदि आप अपनी स्किल्स को अच्छी तरीके से डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे। बस यही है, आपको बारीकियाँ समझनी है, सीखना है और उन पर आपको काम करना है। शुरुआत में ज़रूर सैलरी कम रहती है, लेकिन धीरे धीरे यदि आप उस निखार लाते जाओ अपनी स्किल्स में, तो आप अपने जो एरिया है जहाँ पर आपको जाना है, आपको पता चल जाए कि हमें यहाँ तक पहुँचना है इतने सालों में, इसके लिए आपको मेहनत करनी है, तो स्टार्ट से अपने स्किल्स को अच्छे तरीके से उसको इसके लायक बनाओ कि वहाँ तक पहुँच सके, बारीकियाँ को ढूंढो, उन पर लग जाओ। और यदि आपको अपने वॉइस पर विश्वास ना हो तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन जी का सपना था एक FM में रेडियो जॉकी, वो बनना चाहते थे। वहाँ पर उन्होंने बहुत जगह पर इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन उनका कहीं पर नहीं हुआ। उन्होंने उनसे बोला गया कि आपकी आवाज़ रेडियो के लायक नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन उन्हें विश्वास था कि मेरे अंदर ऐसा कुछ है हुनर, मेरी आवाज़ मेरी पहचान बनेगी, और उन्होंने आज साबित किया। सब लोग, पूरी दुनिया उनको जानती है, उनकी आवाज़ के कायल है, सब पहचान जाते कि ये अमिताभ जी उनकी आवाज़ से ही। तो अपने ऊपर भरोसा है, दृढ़ भरोसा है, विश्वास है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस सबसे पहले आप कोई भी ऑनलाइन काम करो दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना आपको एक अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और एक स्किल पे ही अपना फोकस करना। ऐसा नहीं कुछ दिन, कुछ महीने ये किया, कुछ महीने वो कर लिया, ऐसे आप दर दर भटकते रहोगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। कुछ इस किसी भी क्षेत्र में जाना, उसमें अपनी स्किल देखना किस स्किल का यूज़ हो रहा है, उसमें ही निखार करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, भले ही आप लाइक मत करना लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कि आप हमसे जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें। मैं ज़रूर ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो मैं कंटेंट डालूंगा वीडियो का सबसे अलग रहेगा, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एकदम निस्वार्थ भाव से वीडियो डालूंगा, आपसे कोई छलावा नहीं करूंगा, जो भी होगा साफ साफ बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।